हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईजेसी एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेकेंड राउंड। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप क्या करो जिससे आपका नाम आ जाएगा। या तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो गलती आपकी थी। अगर आपका कोई कॉलेज में नाम नहीं आया, नाम आने के बाद में नहीं ले रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, आपको मैक्सिमम 10 कॉलेजेस का दिया जाता है, मतलब कोई भी 10 कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो मिनिमम में, तो वही एक कॉलेज रखो जहाँ पर आपको लेना है। अगर नहीं लेना है तो फिर दूसरी कॉलेज ऐड करके आप अपना टाइम पास करते हो। क्या करते हो टाइम पास? सर अब क्या करें, अब तो नाम भी आ गया। अगर ऐसे कॉलेज में नाम आया जिसका प्रेफरेंस आपने लास्ट में रखे थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो प्रेफरेंस सेट किए रहेगा ना आपने, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपने प्रेफरेंस एकदम लास्ट में रखे रहेंगे तो डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में वो हट जाएगा और दूसरी कॉलेज में अगर आप एलिजिबल रहोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, आपको सेकेंड लिस्ट में क्या चेक करना है। और ये बहुत ज़रूरी है, आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो उसके पीछे रीज़न ढूंढो। क्या ढूंढो? रीज़न। रीज़न आपके पास में ये कि आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है पर्टिकुलर कॉलेज में। तो सबसे पहले आपको कर लेना है लॉगिन, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास में पेज ओपन होएगा तो आपको कर लेना है लॉगिन करके अपना जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड सेट करेंगे आप लोग। आप अब कर लिए है लॉगिन, डन एवरीवन। अब लॉगिन के बाद में जरा ध्यान से देखोगे आप लोग यहाँ पर कौन से ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले आपको यहाँ राइट में तीन लाइन दिख रही होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। डन एवरीवन, चेक अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट एडमिशन समरी। तो आपको जाना है चेक अलॉटमेंट स्टेटस या तो फिर अलॉटमेंट समरी पर, आपको चेक करना है कि भाई मेरा नाम आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आपको नाम शो हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यू आर नॉट अलॉटेड इन दिस राउंड, मतलब आपका राउंड वन में कोई भी कॉलेज में नाम नहीं आया। सर रीज़न क्या है भाई, मैं इसके पीछे रीज़न जानना चाहता हूँ, मुझे कोई भी कॉलेज में सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया है। तो चलो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है चेक रीज़न फॉर नॉट अलॉटेड। ये रीज़न की वजह से आपका कोई भी कॉलेज में नाम नहीं आया आपने जो भी कॉलेज के लिए सर्च किए रहिए। तो सबसे पहले अगर आपने फॉर एग्जाम्पल श्री नारायण गुरु जिसका 355 पर क्लोज हुआ है, आपका मैच करके देखो कितना हुआ है, मतलब जनरली तो 339 पे आपका वहाँ पर आ जाएगा। अब आप अपने मार्क्स कंपेयर करके देखो आपका मार्क्स कितना आया है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चेक करना है, डन। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क्स आया है 269, वो यहाँ पर कट ऑफ है 339, तो मतलब अभी भी 80 मार्क्स का डिफरेंस है। तो हो सकता है कि सेकेंड, थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। देन NJHRA कॉलेज जिसका क्लोज हुआ है 359 पर और ये स्टूडेंट्स का है 269, डन। तो आप इस तरह से सभी कॉलेजेस का चेक कर सकते हैं भाई ये कॉलेजेस में आपका नाम क्यों नहीं आया। आपने जितने भी कॉलेज का भरे होंगे यहाँ पर वो कॉलेज का कट ऑफ दिखाएगा और आप अपने मार्क्स को यहाँ से चेक कर सकते हो, डन एवरीवन। ये सिंपल प्रोसेस है कि आपका कोई भी कॉलेज में नाम क्यों नहीं आया, वो एक रीज़न चेक करने के लिए। अब ये तो हो गया, अब सर क्या करें। अब देखो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 100 मार्क्स का अगर डिफरेंस है, तो कोशिश करो कि कोई ऐसी कॉलेज ऐड कर दो जहाँ पर आपका नाम आ सके। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो थर्ड या फोर्थ मेरिट लिस्ट में कर देना, अदरवाइज आप जरा भी चेंजेस मत करो। सर अगर मुझे चेंजेस करना है, कुछ कॉलेजेस ऐड करना है, तो अभी यहाँ पर अभी फिलहाल ये फॉर्म क्या है बंद है, मतलब सेकेंड फॉर्म अभी तक शुरू हुआ नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट राउंड का मतलब जो एडमिशन ले लेंगे स्टूडेंट्स जिसका भी जो पर्टिकुलर कॉलेज में नाम आया, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले अपने आपको क्या करोगे, आप लोग फॉर्म को अनलॉक करोगे। क्या करोगे अपने फॉर्म को, अभी फ़िलहाल ये अनलॉक है, मतलब क्लोज है। जैसे ही चालू हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने कोई भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हो, कितने भी कॉलेजेस को डिलीट कर सकते हो। आपको लगता है कि सर सिर्फ मुझे 4 कॉलेज ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कब करोगे, जब ये सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट 25-26 तक ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपने देखे कि आप अपने पर्टिकुलर रीज़न चेक कर सकते हो क्यों आपका कोई भी कॉलेज में नाम नहीं आया। सो एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है 11th FIJC एडमिशन प्रोसेस को लेकर,
अगर आप वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।